हेलो माय डियर टीचर्स, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड रिसर्चर्स। तो जैसे कल मैंने आपके साथ ऑब्जेक्टिव्स, टाइटल और हाइपोथेसिस की बात की थी, तो उसी वीडियो की कंटिन्यूशन में मैं आपके साथ आज एक और अच्छा सा सेशन लेके आई हूँ, जिसमें मैं बता रही हूँ कि आप एक पीएचडी या रिसर्च पेपर के लिए टॉपिक कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर अब तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज जुड़ जाइए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे सेशन में जब भी आप आते हो, एक साथ में बुक लेके आइए और डायरी लेके आइए, ठीक है? और कंटिन्यूटी रखिए कि अगर कोई वीडियोस देख रहे हैं तो उसको नोट डाउन भी करिए और एक्चुअल उसको इम्प्लीमेंटेशन भी कीजिए। मेरी रिसर्च की वीडियो मैंने बहुत सारी अपलोड की, उसका प्लेलिस्ट का नाम है आवर रिसर्च सीखे। तो अब तक अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिए। और ये सेशंस आपको पीएचडी के लिए, नेट सेट के लिए, और जैसे कि आपको पता है अब बहुत सारी यूनिवर्सिटी नेट का स्कोर ही पीएचडी एंट्रेंस के हिसाब से लेते हैं, तो अगर आपको पीएचडी में एनरोल करना है तो आपको नेट ही क्वालिफाई करना पड़ेगा। और अगर आप पीएचडी के एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर करें तो मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है। उसके लिए भी मैंने कुछ वीडियोज अपलोड की है, आप मेरे रिसर्च एप्टीट्यूड की सारी वीडियोस देख सकते हैं उस पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए। और मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले जब हम रिसर्च या पीएचडी के लिए सोचते हैं तो हमें सबसे पहले ध्यान में आता है कि हम रिसर्च किस पर करें। अब क्या होता है ना, बहुत नया टॉपिक पर भी हम रिसर्च नहीं कर सकते और बहुत ओल्ड टॉपिक पर भी रिसर्च नहीं करनी चाहिए। जब हम बहुत नए टॉपिक पर रिसर्च करते हैं तो प्रॉब्लम होती है कि हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं मिलता। और फिर मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम पीएचडी एनरोल करते हैं तो 3 इयर्स में उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि कभी कभी लगता है 1 साल, 2 साल तो उसके रिव्यू ऑफ लिटरेचर पर ही निकल गए। और मैंने काफी सेशंस अटेंड किए तो मुझे याद तो नहीं किसने कहा था, बट बहुत अच्छी बात कही थी वो रिसोर्स पर्सन ने कि एक्चुअल रिसर्च स्टार्ट होती है पीएचडी के बाद, क्योंकि तब आप खुद से करते हैं, ठीक है? अभी ये हम सबको पता है कि हमारी ग्रोथ के लिए या फिर मैंडेटरी क्राइटेरिया है, बहुत कम हो गए हम जो उसको पसंद से करते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ इसलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीएचडी है ना एक ऐसी चीज है, या मैं बोलूँ एक ऐसी डिग्री है जो कुछ सालों तक हमारे साथ रहेगी। अब वो कितने सालों तक रहेगी ये हम पर निर्भर करता है, हम कैसे उसको फिनिश ऑफ करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मिनिमम 3 इयर्स हम उसके साथ रह रहे हैं तो मेरी सजेशन है, जैसे हम शादी करते हैं या अपने लिए लड़का लड़की पसंद करते हैं या फिर हमारे घर में कोई नया फैमिली मेंबर आता है, तो पीएचडी को उसकी तरह ट्रीट कीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम घर में सबको टाइम दे रहे हैं और अगर पीएचडी को टाइम नहीं दे पाते तो हमारी पीएचडी स्लो हो जाती है। और पीएचडी के ना ड्राइवर मतलब हम ही होते हैं, आप ड्राइवर कह लो या पायलट, क्योंकि हमें भी पता है कि गाइड्स हमारे सपोर्ट के लिए है, बट एक्चुअली हमने काम करना है, ठीक है? बहुत अच्छे गाइड्स होते हैं जो हमेशा बोलते हैं कि ये आपकी स्टडी आपको करनी है, और गाइड्स हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं, बट काम तो हमें करना रहता है, बराबर है ना? तो अगर आपको अच्छे गाइड मिल रहे हैं, आपको अच्छा टॉपिक मिल रहा है, आपके पास अच्छा रिसर्च सेंटर है, तो उससे बढ़िया तो कुछ और है ही नहीं। तो इसी टॉपिक के लिए हम कैसे मेहनत करें, अगर आप अभी जो मेरे ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है और अगर आपको ब्लैक बुक जैसे प्रोजेक्ट बनाना है तो आप सिलेबस स्पेसिफिक कर सकते हैं। आप अपने मेंटर्स को, टीचर्स को पूछिए कि कौन सा टॉपिक सुटेबल है, जैसे अगर आपने मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन लिया, एचआर लिया, फाइनेंस, उसके ऊपर। और जब भी आप टॉपिक ले रहे हो ना, मतलब जैसे अभी टाइटल फ्रेम होगा तो इट शुड बी ट्रेंडी, कैची एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ट्रेंडी इन द सेंस, अभी जैसे बहुत नया टॉपिक लिया, वैसे जैसे बिटकॉइंस, अगर आप बिटकॉइंस पर स्टडी कर रहे हैं तो उस पर ऐसा नहीं कि स्टडी नहीं हुई होगी, बट पॉसिबल है कि बहुत कम लोगों को बिटकॉइंस के बारे में पता है, या तो आपको टारगेट ऑडियंस नहीं मिलेगा। तो अगर आपने 1000 का डेटा कलेक्ट करना है तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। अब कैची मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं कि बहुत अट्रैक्टिव है, बट यस समथिंग विच गेन द अटेंशन ऑफ अदर्स, इट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। कल मैंने आपको ये बताया था कि टाइटल, ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस मैच होने चाहिए, ठीक है? बहुत बड़ा टाइटल भी नहीं जमेगा, बहुत फ्लावरी लैंग्वेज वाला, ऐसी लैंग्वेज जो बहुत डिफिकल्ट है समझने को, भी प्रॉब्लम है। अब हम ये कैसे ढूंढ सकते हैं, तो मैं बोलती हूँ रीड, क्या रीड करना है, जो आप डोमेन में काम करना चाहते हैं, मार्केटिंग, बिजनेस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स,
न्यूज देखिए, आपको लगता है कि कुछ टॉपिक्स हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। डिस्कशंस डिस्कशंस किसके साथ करनी है, जो एकेडमिकली इंटरेस्ट लेते हैं ऐसे टॉपिक्स में, जिनको नॉलेज है। हमारे पीयर्स भी हो सकते हैं, हमारे बैचमेट्स हो सकते हैं, हमारे टीचर्स हो सकते हैं, मेंटर्स हो सकते हैं, या जिनको इस चीज की नॉलेज है। बी क्रिएटिव, क्रिएटिव मतलब पुराने टॉपिक को नए तरीके से एक्सप्लोर करना है। अगर आप मल्टीडिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कर रहे हैं, तो उसको कैसे हम अपने टॉपिक से जोड़ सकते हैं, कौन सा एंगल नहीं हुआ। जैसे मैं बोलूँ पावर्टी, पावर्टी एक ऐसा टॉपिक है जो सोशियोलॉजी में भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स में भी हो सकता है, कॉमर्स भी हो सकता है। तो क्या इस टॉपिक में आप कुछ नया कर सकते हैं? ठीक है, गवर्नमेंट की स्कीम्स है तो उसमें कुछ नया कर सकते हैं। तो कुछ हद तक आप पुराने टॉपिक को बाहर लेके आ रहे हैं, तो कैसे उसको क्रिएटिव करेंगे? चेक द रिसर्च गैप्स, हाउ टू फाइंड द रिसर्च। नाउ दिस इज ऑल्सो बिग क्वेश्चन, और देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च गैप्स। मैं एनुअली स्टडी में बात करूंगी, सेशंस में बात करूंगी। अभी जैसे मैं बोलूँ लोकेशन गैप हो सकता है, वो स्टडीज मुंबई के अलावा हर कहीं हुई है। तो अगर आपको वो पता लग गया कि मुंबई में नहीं हुई है, तो आप ये ज्योग्राफिकल गैप भी प्रपोज कर सकते हैं। अब मुझे कैसे पता लगता है ये स्टडी हुई है कि नहीं? तो अगर आप लाइब्रेरी विजिट करते, और आपकी हमारे पास डिजिटल इनिशिएटिव है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई शोध गंगा पर सब थीसिस अपलोड करते हैं। तो आप रिसेंट अपलोडेड थीसिस चेक कीजिए, ठीक है, डेट ऑफ द थीसिस चेक कीजिए, कौन से टॉपिक्स पर काम हो रहा है, कौन से टॉपिक्स पर काम नहीं हुआ है। ओके, शोध गंगा एक रेजर्वियर है, नेट सेट का भी हमारा क्वेश्चन है। और अगर आप गूगल स्कॉलर, मैंने वीडियोज बनाई हुई है डेटाबेस के ऊपर, गूगल स्कॉलर पर आप सर्च करते हो आपको टाइटल्स। अभी जैसे क्या होता है ना, कोई ऐसा टॉपिक है जिसको है ना कुछ और वर्ड से भी बोला जाता है, तो आपको वो कीवर्ड्स भी डालने हैं। ठीक है, टूरिज्म, टूरिज्म में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे। आजकल नया कॉन्सेप्ट चल रहा है ओवर टूरिज्म, ठीक है, फिर बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं वहां पर, वहां पर लोगों की डेथ हो जाती है कभी कभी टूरिज्म में, मतलब सेल्फी पॉइंट्स लेने पर ऐसे। तो आप ऐसे चीजों को सर्च कीजिए डिफरेंट कीवर्ड्स से। अटेंड वर्कशॉप, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, एकेडमिक डिस्कशंस। ठीक है, अब वर्कशॉप्स और सेमिनार्स में क्या डिफरेंस है, ये भी नेट सेट का क्वेश्चन है। कॉन्फ्रेंसेस ये सब में अटेंड करेंगे ना, तो आपको थीम्स पता लगती है, कोई एक्सपर्ट आता है अगर। ठीक है, जैसे अब मुझे एक्सप्लोर करना है कि लोग आउटसोर्सिंग क्यों करा रहे पीएचडी थीसिस, तो दिस कैन बी ऑल्सो गुड टॉपिक। और इसमें मेरी टारगेट ऑडियंस कौन होगी, जो लोग रिसर्च पीएचडी थीसिस के लिए काम कर रहे हैं। आपको लगता है क्या इतना इजी कोई बताएगा मुझे थीसिस आउटसोर्सिंग का? तो यहाँ पर चैलेंज आ सकता है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि हमें थीसिस को आउटसोर्स नहीं करना है, प्लेजराइज्ड कंटेंट नहीं करना है, खुद से मेहनत करनी है, हम खुद से कर सकते हैं। जब हम इतने आगे आ चुके हैं तो ये भी हम कर ही सकते हैं। ठीक है, और पीएचडी बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, बट बहुत इजी भी नहीं है। बट यस, जब हम समझ जाते हैं उसकी स्ट्रेटेजी और हम डेडिकेटली काम करना चाहते हैं, हम अपनी डिग्री से एक अचीवमेंट, मतलब सिर्फ एकेडमिक नहीं पर्सनल अचीवमेंट भी समझते हैं उसको, तो डेफिनेट। तो यहाँ से आपको थीम्स पता लगी, जैसे आजकल थीम्स चल रही है सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। जैसे अभी हमें पता है गणेश चतुर्थी आ रही मुंबई में, तो यहाँ पर गणपति बप्पा भी आ रहे हैं, तो इको इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो अगर आज का आपने न्यूज देखा होगा, तो उसमें बताया गया है प्लास्टिक ऑफ पेरिस यूज हो चुका है। क्यों यूज हो चुका है? क्योंकि जो बनाते हैं आर्टिस्ट है, जो मूर्ति को गढ़ते हैं, उनको पता ही नहीं था ये बात, तो उनको कौन बताएगा? तो इट कैन बी अ रिसर्च प्रॉब्लम। क्या हम उसके ऊपर एक रिसर्च पेपर कर सकते हैं? कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे से होते हैं, तो हम उनको थीसिस के लिए नहीं ले तो अच्छा है, उनको हम ले सकते हैं अपने रिसर्च पेपर के लिए। ठीक है, तो एक्सप्लोर कीजिए। अभी जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, हमारे घर में इतने सारी चीजें खराब हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, उनका क्या हो रहा है? ठीक है, ऐसे टॉपिक्स भी आप बना सकते हो। तो जो भी वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो, अपने डोमेन स्पेसिफिक देखिए क्या रेलेवेंट है, क्या नया कर सकते हैं। यू हैव स्पेंट मंथ्स और ईयर्स कंडक्टिंग योर एकेडमिक रिसर्च, नाउ इट्स टाइम टू राइट योर जर्नल आर्टिकल। ठीक है, तो लिखना बहुत बड़ी मेहनत है, बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ एकेडमिक रीडिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रीडिंग, एंड एकेडमिक राइटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम राइट रिसर्च राइटिंग। जब आप कुछ बुक्स पढ़ते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कॉन्सेंट्रेशन अलग होता है, समझने की क्षमता अलग होती है। मैगजीन्स पढ़ते हो, लव स्टोरीज, नॉवेल्स एंड ऑल, तो वो जस्ट रीडिंग है, बट एकेडमिक रीडिंग में आपको चीजें याद भी रखनी है, उनको जोड़ना भी है। और रिसर्च पेपर और थीसिस का कैसे ना, अगर आप गैप्स के साथ पढ़ोगे, मतलब एक महीने बाद किया तो लिंक टूट जाएगा, देन यू हैव टू स्टार्ट अगेन उसको याद करने लिए भी। एंड आई अंडरस्टैंड वी ऑल आर बिजी, सो जस्ट रिमेंबर नेवर बी अफ्रेड, लिखना स्टार्ट करेंगे तो ही समझेगा कि क्या कर रहे हैं।
फॉर सम दिस कैन बी अ डॉन्टिंग टास्क बिकॉज राइटिंग इज नॉट द, ठीक है, हम सबकी स्पेशलाइजेशन नहीं है, राइटिंग बहुत डिफिकल्ट लगता है. इट माइट बी डिफिकल्ट टू इवन स्टार्ट राइटिंग, हाउ एवर वंस यू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स एंड बिगेन राइटिंग देम डाउन द ओवरऑल टास्क विल बिकम इजी. ठीक है, तो ये लिखना स्टार्ट करेंगे तो ही समझेगा. अब टॉपिक कब बनाते, कब फ्रेम करते, तो आई ऑलवेज रेकमेंड, जैसे मैं BST बसेस के ऊपर काम कर रही हूँ मुंबई में, तो इट शुड बी अ नैरो डाउन टॉपिक. सो हाउ यू विल नैरो इट डाउन? आई वांट टू वर्क इन द एरिया ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. आई थॉट अबाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड, देन आई थिंक अबाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, देन फर्दर आई नैरो डाउन इट टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन मुंबई, एंड देन फर्दर वी ऑल नो दैट इन मुंबई वी हैव टू टाइप्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वन आर द लोकल ट्रेन एंड द अदर इज BST बस. सो आई जस्ट वॉन्ट टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू पब्लिक बस, एंड इन मुंबई BEST हैज अ मोनोपोली. Okay, public bus transport. So this is how you are narrowing down the topic. You can even select Navi Mumbai ka public transport, then metro trains, but be specific. The jitna narrow aapka research hoga, utni achhi aapki research hogi. ठीक है, यू कैन नॉट कवर इंडिया, यू कैन नॉट कवर अ फुल सिटी ऑल्सो. तो कितने पोर्शन में, जैसे वेस्टर्न सब की बात करें, कर सकते हैं मुंबई सिटी को कवर पूरा, बट हमको फिर देखना है कि हम डेटा एनालिसिस डेटा कलेक्ट करते हैं तो ऑनेस्टली कैसे जोनल वाइज करते हैं, सो दैट वी डोंट मिस रिप्रेजेंट और फेल टू फाइंड आउट द करेक्ट सैंपल्स. ओके, तो यहाँ पर अभी जैसे मैं बात करूँ तो कुछ टॉपिक्स मैं सजेस्ट कर रही हूँ, अगर आप उस पर काम करना चाहें तो. जैसे कि मैं कॉमर्स से हूँ तो हमारे पास कॉमर्स में 6 सब ब्रांचेस होते हैं. आप बैंकिंग में कर सकते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, आप ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में कर सकते हैं, आप बिजनेस मैनेजमेंट में कर सकते हैं, आप अकाउंटेंसी में कर सकते हैं, और आप बिजनेस पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन से कर सकते हैं. ठीक है, तो आप देखिए आपके लिए कौन सा सुटेबल है. जैसे मैं थ्योरी टीचर हूँ तो हमारा रहता है बिजनेस पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, तो फ्यू टॉपिक्स जैसे मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अब इसके ऊपर बहुत सारे आप टॉपिक्स बना सकते हैं, आप सस्टेनेबिलिटी पर काम कर सकते हैं, आप लोगों की प्रेफरेंस देख सकते हैं, चैलेंजेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देख सकते हैं, यू वांट टू सी व्हाई पीपल आर नॉट विलिंग टू बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और व्हाट मेक्स देम बाय, सो सेटिस्फेक्शन लेवल. तो देखिए एक ही टॉपिक से बहुत सारे एंगल्स बन सकते हैं. देन यू कैन सपोज यू आर फ्रॉम ज्योग्राफी और मे बी फ्रॉम सोशियोलॉजी, तो आप अपने टॉपिक से इसको कैसे जोड़ेंगे अपने डोमेन से. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एनवायरमेंट पर क्या असर होता है, उनकी बैटरीज के बारे, अब जैसे कॉमर्स ही हूँ तो उनकी बैटरीज के बारे बहुत डिफिकल्ट होगा स्टडी करना, बट अगर आप उस डोमेन से बैटरी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी तो आप कर सकते हो. सस्टेनेबल बिजनेस हमको पता है आजकल बहुत बड़ा है. ठीक है, अभी जैसे मैं बोलूँ इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ओवर टूरिज्म एक कॉन्सेप्ट बन गया जिससे टूरिज्म बहुत परेशान है. मेरी सजेशन है सबको, अगर आप कहीं ट्रैकिंग वगैरह घूमने जा रहे हैं तो प्लीज वहां पर कचरा मत करके आइए, मॉन्यूमेंट्स पर अपने पार्टनर्स के नाम मत लिख के आइए, हम सबको पता है इट इज एन वेरी बैड प्रैक्टिस, वी शुड नॉट स्पॉइल अवर मॉन्यूमेंट्स एंड अवर रिच हेरिटेज. लॉन्ग कम्यूट टाइम की अगर मैं बात करूँ तो व्हेन इन मुंबई एंड बेंगलुरु स्पेशल ट्रैफिक इतना ज्यादा हो गया कि लोग रास्ते में ज्यादा टाइम पर है, सो लॉन्ग कम्यूट टाइम मीन्स लेस ऑफ फैमिली टाइम, सो दिस कैन बी अ चैलेंज. वर्क लाइफ बैलेंस से जोड़ सकते हैं आप, ठीक है, आप पॉल्यूशन से जोड़ सकते हैं, और सेफ्टी ऑफ वुमेन कम्यूटर्स इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट. आप जैसे देखिए सिटी फ्लो है, ऐसे बहुत सारी प्राइवेट बसेस भी आ चुकी है तो उनके बारे में आप स्टडी कर सकते हो, वॉल्वो बसेस, या फिर उनकी सेफ्टी कितनी है, या वॉट इज द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस बसेस, और वाई कस्टमर्स आर प्रेफरिंग मोर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स देन पब्लिक ट्रांसपोर्ट. तो ये सब आपको रिसेंट स्टेटिस्टिक्स से भी मिल जाएगा. HR में कॉन्सेप्ट है मून लाइटिंग, तो वॉट इज मून लाइटिंग, पीपल आर अनएथिकली टेकिंग अप टू जॉब्स एट अ टाइम. ओके, यू आर डूइंग अनदर जॉब ड्यूरिंग द ओके ड्यूरिंग दोज आवर्स जब आप फर्स्ट जॉब भी करें, तो ऐसा कॉन्सेप्ट भी बन सकता है, HR के व्यू पॉइंट से भी बन सकता है, फिर मैनेजमेंट के व्यू पॉइंट से भी बन सकता है, या फिर आप इसको कॉमर्स के अंडर भी ले सकते हैं. वॉट इज गिग इकोनॉमी, मैनी पीपल आर प्रेफरिंग टू वर्क फॉर टेम्पररी जॉब्स बट देर आर नो परमानेंट बेनिफिट्स. ठीक है, जैसे स्विगी के वर्कर्स, अब मैं या तो स्विगी वालों से फॉर्म भरवाऊँ तो क्या डिफिकल्टी आएगी, क्या वो लोग फॉर्म भरेंगे, तो ये सारे क्वेश्चन पे आपको याद करने. जब भी याद रखिए कि ऑब्जेक्टिव फ्रेम करें तो कैसे अचीव करेंगे वो पता होना चाहिए. रिसर्च मेथोडोलॉजी, अब आप जब जा रहे हैं कि रिसर्च प्रपोजल लेके, तो ऑब्जेक्टिव टाइटल हाइपोथिस एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट.
आपको सैंपल साइज कहाँ से सैंपल डेटा कलेक्ट, अब देखो अगर मैं स्विगी से कलेक्ट कर रही हूँ, स्विगी के डिलीवरी बॉय से, आपको लगता है कि उनके पास 10 मिनट है या वो ऑनलाइन भर पाएंगे? ठीक है, दे आर ऑलवेज रनिंग फॉर देयर ऑर्डर्स, सो ऑलवेज कंसिडर अ फिजिबल सब्जेक्ट, ओके, फिजिबल टॉपिक। ऐसा नहीं बाद में लेके पछता रहे कोई डेटा नहीं भर पा रहा है। गिग इकोनॉमी का इकोनॉमी पर क्या असर है, क्या गिग इकोनॉमी में फीमेल्स हैं, उनसे क्या नुकसान है, क्या फायदा, सो सो मेनी एंगल्स कैन बी थॉट अबाउट ऑफ अ सिंगल टॉपिक। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एडुकेशन, इन लर्निंग, कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बता सकते हैं, कुछ नया बता सकते हैं, क्या उनकी चैलेंजेस है या क्या वो थ्रेट है क्या टीचिंग को, ऐसे भी बता सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी, डेली वी हियर देयर आर सो मेनी डिजिटल फ्रॉड्स, पहले रोड पर चोरी होती थी अब ऑनलाइन चोरी होती है, फिशिंग विशिंग मालवे, ठीक है, फिर वायरसेस, ये सब पर कर सकते हैं। फिनटेक बहुत पॉपुलर टॉपिक है आजकल, बैंकिंग के बारे कर सकते हैं आप, फिर स्ट्रीट वेंडर्स, फाइनेंशियल लिटरेसी, बट अदर फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज्यादा यूज हो चुका है टॉपिक, तो आपको क्या देखना है कि आप उसको कैसे नया एंगल जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब सपोज मिलेनियल जनरेशन के ऊपर हो गया है, तो आप प्रेजेंट जनरेशन पर कीजिए, कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी की बात कर सकते हैं, अपील्स इन एडवर्टाइजिंग, जैसे आज आप देखेंगे एक एडवर्टीजमेंट बहुत पॉपुलर हो रही है पार्ले जी की, टीचर वाली, तो वो एक इमोशनल अपील है, यू वांट ट्राइंग टू कनेक्ट विद द ऑडियंस, ठीक है, पार्ले जी उन्होंने बहुत अच्छे एडवर्टीजमेंट बनाए, स्पेशली अभी टीचर्स डे आने वाला है, तो इट कनेक्ट्स विद द कॉ, ठीक है, ऐसे होता है। तो ये देखिए आप कितने सारे टॉपिक्स है, आप देखिए रोज कुछ नया होता है, आप हाइब्रिड मोड ऑफ एडुकेशन पर कर रहे हैं, लर्निंग पर कर रहे हैं, स्टूडेंट्स में कुछ नया कॉन्सेप्ट आया, स्टूडेंट इंगेजमेंट, ठीक है, तो टॉपिक्स 10-12 साल पुराने हो गए, हाउ यू कैन थिंक अबाउट अ डिफरेंट एंगल और अ डिफरेंट सब्जेक्ट, तो ये सारी चीजें आपको रीडिंग करके ही पता लगता है। आप, मैंने थीसिस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि कैसे आप रिसर्च गैप फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं आपके साथ वो लिंक भी शेयर कर दूंगी। तो देखिए अगर हम टॉपिक डिसाइड करें तो ऐसा टॉपिक डिसाइड कीजिए जो फिजिबल हो, ओके, डेटा इजिली मिले, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर पाए, हम डेटा कलेक्शन करने जाए तो लोग डेटा फॉर्म भरने से मना ना करें, कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जैसे बैंकिंग या RBI की, अदरवाइज देन अगेन इट इज अ चैलेंज। और फिर आप ये भी देख सकते हैं कि आप इसको 3 इयर्स में कवर कर पाएंगे कि, ओके, सो इंश्योर दैट वॉट एवर और विच एवर टॉपिक यू आर सिलेक्टिंग फिट्स इन टू योर डोमेन, यू कंसल्ट विथ योर गाइड, ओके, एंड इफ द पैनल इज एब्सोल्युटली हैप्पी विद द टॉपिक गो एड विथ, अदरवाइज समटाइम्स दे गिव यू ऑप्शन दैट वी आर सिलेक्टिंग यू एज अ कैंडिडेट बट यू कैन चेंज द टॉपिक, ओके, सो ऑलवेज कंसल्ट योर गाइड इफ गाइड हैज बीन अलॉटेड टू यू, ओके, इन फ्यू यूनिवर्सिटीज वी हैव अ कॉन्सेप्ट, फर्स्ट वी गो फॉर कोर्स वर्क एंड देन आफ्टर अ सर्टन टाइम और मे बी आफ्टर फ्यू मंथ्स व्हेन वी आर डन विद द कोर्स वर्क आवर नॉलेज इंप्रूव्स, दे आस्क अस टू सेलेक्ट अ टॉपिक एंड अदरवाइज वी हैव सम यूनिवर्सिटी सच एज मुंबई यूनिवर्सिटी वेर वी गो विद अ रिसर्च प्रपोजल एंड देन वी गिव अवर इंटरव्यू एंड देन द टॉपिक इज फाइनलाइज्ड, ओके, तो आप देखिए जो भी टॉपिक करिए उसको घर के मेंबर की तरह समझिए, खुद करिए PhD, इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है, अगर कुछ लोग कर रहे तो बहुत लोग भी कर सकते हैं, ओके, एंड एंश्योर दैट यू आर डूइंग अ गुड वर्क, आफ्टर अ फ्यू इयर्स यू शुड बी प्राउड ऑफ योर वर्क। अभी क्या होता है ना, जब हम PhD करते हैं तो ऑनेस्टली हमें नहीं पता होता है कि क्या करना है कैसे करना है, ऐसा नहीं कि हमने 10-12 साल टीचिंग में निकाले तो हमें PhD आ जाती है, ठीक है, इसके लिए भी एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। तो याद रखिए कि आज जो 3 साल आप मेहनत करें, आप चौथे और पांचवे साल में हम स्मार्टर हो गए, तो फिर अफसोस होता है कि 3 साल पहले तो हमें कुछ नहीं आता था, बट यस इट हैपेंस विद ऑल ऑफ अस, तो डोंट स्ट्रगल फॉर ऑल दिस थिंग्स, इनफैक्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग, कभी ना कभी तो स्टार्ट करेंगे तो ही खत्म होगा, कहते हैं ना द स्टार्ट ही नहीं हुआ तो खत्म कैसे होगा, डर लगता है सबको लगता है, PhD से डर, कोई भी पढ़ाई से डर लगता है, हम टीचर्स है स्टूडेंट्स है होता है टेंशन, बट यस अगर कुछ करना है तो उसको डेडिकेटली करना है और अच्छे से करना है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेशंस के लिए, और जैसे कि आपको पता है मैं नेट सेट को पढ़ाती हूँ, तो नेट का एग्जाम है कॉमर्स वालों का 3 सितंबर को, मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट है, और अगर आपको कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए जिस पर मैं हेल्प कर सकती हूँ तो जरूर मुझे मैसेज कीजिए, आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, तो अच्छा सा टॉपिक सेलेक्ट कीजिए, 3 साल उसके साथ रहना है, फैमिली मेंबर बनाना है, उससे शादी करनी है, ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।